يمهده في السراء والضراء والعافية والبلاء. وهو المحمود في كل الأحوال، المعبود في الأرض وفي السماء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مجاہد اسلام، ہر دل عزیز شخصیت، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، دیگر احباب ذی وقار، محترم بزرگو، دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، اس قصبہ واہ برڑا میں آج کی یہ محفل محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انعقاد پذیر ہوئی ہے. یہاں پہنچ کے پتا چلا محترم جناب علی مراد صاحب، بھائی محمد انور صاحب اور جماعت نے مل کے اللہ کی رضا کے لیے ایک خیرات کا انتظام کیا. اس پروگرام کی غرض و غایت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. یہ گھر اللہ کا، یہ در اللہ کا، اور سارے منگتے فقیر سائل ہیں اللہ کے. دل سے دعا کریں اللہ عز و جل اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے گھر میں اپنے بندوں کی یہ حاضری قبول فرما لیں. جو آمین نہیں کہتے آپ کے حق میں بھی میری دعا ہے، اللہ آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے. تھوڑی محبت دیا کرو. آپ آپس میں سندھی بولتے ہو، میں چونکہ اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہاں نا سبحان اللہ الحمدللہ کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ بیان سن رہے ہو. مولانا غلام مصطفیٰ صاحب تو ہر دل عزیز ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، مجھ سے بھی بہت بہتر بیان فرماتے ہیں.
ये तो सरपरस्ती के लिए बैठे हैं, मैंने बातें आपसे करनी है। अब मैं दुआ करता हूँ, देखो कहाँ लाहौर पंजाब, कहाँ बाबुल्ला, सैयद आए कुरान सुनाए दुआ करे, आप आमीन ही ना कहो तो मजा ना आया। अब मैं दुआ करूंगा, अल्लाह जितने दोस्त बैठे हैं इन सब को मुझे भी कुरान की समझ नसीब फरमा, अल्लाह सभी को कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अब मेरी नजरों में नजरें रखो, मैं बिल्कुल आसान करूं बात। 16वां पारा है, सूरत का नाम सूरह ताहा है। एक आयत तैयबा मैंने खुतबे में अभी तिलावत की है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तुम्हें बनाने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए बनाने वाले ने जमीन के जिस हिस्से, जिस खित्ते से तुम्हारे लिए खमीर की मट्टी उठाई और तुम्हें बनाया, मिन्हा खलकनाकुम, खमीर की मट्टी उठाई और बनाने वाले अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से बनाया, पैदा फरमाया, उसी अल्लाह का जाबता है, कानून है, अटल फैसला है। बाबुल्ला वालो, एक दिन इस जसद खाकी, इस जान, इस बदन से रूह निकल जाएगी और ये जो खाकी जसद है, बदन है, जान है, मिट्टी वाले जिस्म है, फीहा नुईदुकुम, इन जिस्मों को उन्हीं जगहों पे दफन किया जाएगा जहां से मौला ने तुम्हारा खमीर उठाया था। अगर समझ नहीं आई मैं फिर समझा रहा हूं, जरा तवज्जो चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि वक्त कीमती बने। इधर जरा मेरी नजरों में नजरें मिलाएं, मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में ये रुमाल नहीं है, मिसाल के तौर पे ये है जमीन, एक मिसाल है जमीन। अल्लाह ने मुझे बनाया, खमीर यहां से उठाया, हजरत जी को बनाया, खमीर यहां से उठाया, इन बुजुर्गों को बनाया, खमीर यहां से उठाया, इस कारी साहब को बनाया, खमीर यहां से उठाया, जहां जहां से अल्लाह ने खमीर उठाया, वजूद बनाया, एक और जगह से खमीर उठाया, मोहम्मद इस्माइल शाह को बनाया। सुनो बाबुल्ला वालो, तकरीरें बड़ी सुनी। सैयद काजमी कहता है, कुरान पढ़ के मैं समझा हूं कि ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, मैं सदके जाऊं उस बनाने वाले कारीगर की कारीगरी पे जिसने खमीर मिट्टी से उठाए मगर कितने हसीन चेहरे बनाए। नहीं समझे, अब वजन महसूस करो मेरी बात का, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहता हूं मुझे किसी खुशामद की जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। मैं कहता हूं मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब के चेहरे में नूर है। मैं कहता हूं ये सफेद रिश बुजुर्ग आए, इनके चेहरे में नूर है। आप नमाजी हो, सच बोलते हो, हलाल खाते हो, मैं कहता हूं तुम्हारे चेहरों में नूर है। सुनो, सैयद काजमी कहता है, ये जितने नूर देख रहे हो कुछ नहीं है, ये सारी मिट्टी है, जो नूर नजर आ रहे हैं ये सारे नूर बस उस नूर वाले के नूर है।
नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ। ये मिट्टी है जो हम बैठे हैं, हम क्या बोलो यार, मुझे सिंधी आती नहीं वरना मैं सिंधी बोलता। आप उर्दू मेरी समझ रहे हो, बड़ी आसान बोल रहा हूँ। आप जो चुप बैठे हो मेरी आपके लिए दुआ है, अल्लाह मियां इनको कुरान समझने की तौफीक अता फरमा। ये जितने चेहरे देख रहा हूँ, कारी साहेब है तो मिट्टी, मौलाना है तो मिट्टी, मीर साहेब है तो मिट्टी, भुतार है तो मिट्टी, सरदार है तो मिट्टी, वडेरा है तो मिट्टी, खान जाम मलिक रईस चौधरी है तो मिट्टी, सैयद काजमी खतीब बना फिरता है कुछ नहीं। कुरान कहता है ये मिट्टी के खिलौने हैं, तारीफें इन शक्लों की नहीं है, तारीफें इन मूर्तियों की नहीं है, तारीफें इन सूरतों की नहीं है। सुनो, सारी तारीफें उस कारीगर की हैं जिस कारीगर ने खमीर मिट्टी से उठाए मगर कारीगरी दिखाई, इतने नूरानी चेहरे बनाए। अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सबको बनाने वाला कौन है? जो चुप बैठे हो आखिरी दोस्त तक माशाल्लाह मजमा जम गया, शाबाश, आप भी बोलोगे बनाने वाला कौन है, संवारने वाला कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह मियाँ जो सुभान अल्लाह कहे इसके अमल में इल्म में और बरकत अता फरमा। जरा मजे में बोलो सुभान अल्लाह। बनाने वाले ने मिट्टी से खमीर उठाया, ये सारी सूरतें बनाई, सारी शक्लें बनाई। एक सवाल करता हूँ, आप सोच के जवाब दोगे, ये सूरतें बनाने वाला, बोलो बोलो बोलो, ये शक्लें बनाने वाला, ये बदन बनाने वाला, ये जिस्म बनाने वाला, ये जान बनाने वाला, ये अबदान बनाने वाला। अच्छा, अगर मेरी नजरों में नजरें हैं, अब मैं सुना नहीं रहा, मैं एक शय दिखा रहा हूँ जरा। अल्लाह ने जिस्म बनाने के लिए खमीर उठाया है मिट्टी से, जमीन से मिट्टी से खमीर उठाया, जिस्म बनाया। इस जिस्म में अल्लाह ने रूह भेजी है आसमान से, रूह नाजल फरमाई है ऊपर से, रूह का ऑर्डर अमर दिया है ऊपर से। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا। भाई दो चीजें हैं, मेरी तकरीर जरा मुश्किल है, मैं आसान कर रहा हूं, सुनो, दो चीजें हैं। नसरुल्लाह भाई को गौर से देखो, एक जिस्म है एक रूह है। मोहम्मद इस्माइल शाह एक जिस्म है एक रूह है। आप बैठे हैं एक जिस्म है एक रूह है। अल्लाह ने जिस्मों के लिए खमीर उठाया मिट्टी से,
रूह का अमर जारी फरमाया, ऊपर से जिस्म आया है जमीन से, तवज्जो, रूह आई है ऊपर से, इसलिए अल्लाह ने जिस्म की गिज़ा भी पैदा फरमाई है जमीन से। ये बदन जमीन से बना, अगर चावल खाते हो तो जमीन से आ रहे, गंदम खाते हो जमीन से आ रही, अनाज खाते हो जमीन से आ रही, सब्जियात खाते हो जमीन से आ रहे, फ्रूट खाते हो जमीन से आ रहे, खजूर अंगूर अनार खाते हो जमीन से आ रहे। सुनो बाबुल्ला वालों, कुरान समझो, सैयद काजमी मेहमान आया, सीने में कुरान लाया, अल्लाह ने जिस्मों को पैदा फरमाया है जमीन से, जिस्मों की गिज़ा भी अल्लाह ने पैदा कर छोड़ी है जमीन से। रूह रूह अल्लाह ने ऑर्डर भेजा था आसमान से, रूह भेजा था आसमान से, अल्लाह ने ये रूह की गिज़ा भी उतारी है आसमान से। कुरान रूह की गिज़ा है, बोलो कुरान, बोलो बोलो, कुरान रूह की गिज़ा है। हजरत जी बाबुल्ला, इस मस्जिद में मेरी दो तीन तकरीरें करवाओ, फिर बंदे बोलना सीखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मेरी तारीफों में ना बोलो, बयान में बोलो, मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह ने जिस्म बनाए हैं जमीन से और गिज़ा भी पैदा फरमाई है जमीन से, रूह भेजा है आसमान से, रूह की गिज़ा उतारी है आसमान। अभी दुआ होगी, खैरात चलती है, कहीं चावल है, कहीं गोश्त है, कहीं दाल है, कहीं रोटी है, कहीं मछली है। सुनो, सैयद काजमी कहता है, सारे दस्तरखान भरे पड़े हैं, खुदा की कसम, किसी रोस्ट बरोस्त चरखे मुर्गे मछली में जिस्मानी गिज़ा में वो सुकून नहीं मिलता जो सुकून मोमिन को अल्लाह के कुरान में मिलता है, इसलिए कि कुरान हमारे रूह की गिज़ा। हम जिस्म के चक्कर में पड़ गए, मेरा जिस्म कितना वजनी, फलां कितना भारी, फलां क्या खा रहा, फलां क्या खा रहा। रूह को पालो, रूह पर ध्यान करो, रूह को जिंदा करो, रूह को ताजा करो। कुरान पढ़ोगे रूह जिंदा होगा, कुरान पढ़ोगे रूह पलेगा, कुरान की महफिलों में आओगे रूहानियत बढ़ेगी। एक जिस्म है दूसरी रूह है, जिस्म आया जमीन से जाएगा भी जमीन में, जब जिस्म से रूह निकलेगी, रूह आया ऊपर से था, रूह ने जाना भी ऊपर है। खुदा रा सुनो, रूहानियत पैदा करो, रूह जिंदा करो, रूह को ताजगी बख्शो, रूहानी महफिलों में आओ। सुनो, जिस्म की गिज़ा के लिए मार्केट में जाते हो, जिस्म की गिज़ा के लिए मंडियों में जाते हो, जिस्म की गिज़ा के लिए बाजारों में जाते हो, जिस्म की गिज़ा के लिए दुकानों पे जाते हो। सुनो, मेहमान सैयद कहता है, रूह की गिज़ा चाहते हो तो मस्जिद में आया करो, रूह की गिज़ा चाहते हो तो इन फकीरों के हलके में आया करो, रूह की गिज़ा चाहते हो तो अल्लाह वालों की मजलिस में आया करो, रूह की गिज़ा चाहते हो तो ज़िक्रतकार की महफिल में आया करो। मिन्हा खलकनाकुम, जहाँ से खमीर उठाया, वफीहा नुईदुकुम, वहीं ये मट्टी
मौला पहुंचाएगा। दो जुमले आप मेरे साथ बोलोगे, पहला जुमला ये शक्लें बनाने वाला, बोलो बोलो अल्लाह, सारे बोलो अल्लाह, ये शक्लें बनाने वाला, ये सूरत बनाने वाला, ये सूरत बनाने वाला, ये सूरत बनाने वाला, ये शक्लें बनाने वाला, बनाने वाला अल्लाह है। दूसरा जुमला, जब चाहेगा एक आर्डर देके सारी शक्लें मिटाने वाला, एक आर्डर देके वफीहा नुईदुकुम। अगर गौर करो तो मैं एक बात कह रहा हूं, आज मोहम्मद इस्माइल शाह काजमी सैयद काजमी बना फिरता है, वाह वाह है कुरान पढ़ रहा, लोग कहते हैं शाह साहब आ रहे, शाह साहब जा रहे। अगर इस जिस्म से रूह निकल गई, न खतीब रहा न कारी रहा न शाह साहब रहा, रूह निकली बस मैयत हो गया, रूह निकल गई कोई नहीं कहता मीर साहब कहाँ है। आपकी मस्जिद में ऐलान हुआ लोगों, फुलां फुलां का बेटा इंतकाल फरमा गया, फौत हो गया। आप दौड़े दौड़े गए, कोई जाके मैयत के घर ये नहीं पूछता कि हाजी साहब कहाँ सो रहे हैं, मीर साहब कहाँ सो रहे हैं, शाह साहब कहाँ तशरीफ रखते हैं। हर कोई जाके कहते मैयत कहाँ रखी है, मैयत कहाँ रखी है। जनाजे के लिए सफ़ें दुरुस्त हो गई, इमाम साहब नियत समझा रहे, सना अल्लाह के लिए दुरूद जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दुआए मगफिरत है हाजिर मई। क्या कहते हैं, दुआए मगफिरत किसके लिए, मौलाना के लिए या मैयत के लिए, बुतार के लिए या मैयत, वडेरे के लिए या मैयत के लिए। हाय मौलाना, अगर हम गहराई में जाएं, खुदा की कसम जब रूह निकलती है ना, रूह निकलती है, सबसे पहले मुझसे मेरा नाम छिन जाता है। जब रूह निकलती है सबसे पहले हमारा नाम गुम हो जाता है, इस्माइल शाह खत्म, आज मैयत है, उतार मीर सरदार वडेरा खत्म, आज मैयत है। पता चला इस जिस्म की कीमत नहीं है, कीमत रूह की है। दो चीजें हैं, गौर करो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका नाम क्या है, जल्दी बोलो नाम। अब्दुल हक, अब्दुल हक। जिस्म है, रूह है, अगर रूह निकल जाए लोग नहीं पूछेंगे अब्दुल हक कहाँ है, पूछेंगे मैयत कहाँ रखी, नाम छिन गया, पहचान छिन गई, तारुफ खत्म हो गया, जान सुजान मुक गई। सुनो, अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदे बैठे हो और मैं अल्लाह का कलाम लेके बैठा हूँ, एक जिस्म है एक रूह है, इन दो चीजों में कीमती जिस्म नहीं है, कीमती है तो रूह है। बोलो कीमती क्या है, कीमती शय असल हीरा जौहर नगीना खुलासा मक्खन, असल शय जिस्म नहीं है रूह है। सुनो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बंदा जितना बीमार हो रूह मौजूद हो, कभी देखा है कि औलाद जाके दफन कर दे, कतन नहीं, वो नौकरी करते हैं खिदमत करते हैं, लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, माजूर हो गया, अपाहज हो गया, फालिजदा हो गया, खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, लूला लंगड़ा, उठना बैठना हर शय खत्म, बिस्तर पे पड़ा है, वहीं पखाना पेशाब निकल रहा है, मगर रूह जो मौजूद है। बेटा कहता है मैं नौकर, मेरा बाबा है,
बेटी कहती है बाबा मैं तेरे कपड़े धो के दूं, मैं नौकरी करूं। अल्लाह गवाह जब इस जिस्म में रूह है सारा कुंबा नौकरी कर रहा है, और जब रूह निकल जाती है, रूह निकल जाती है बेटा पुत्र पुत्र मौलाना के कान में कहता है मौलाना जनाजा कल ना पढ़ाओ आज पढ़ा दो कहीं मैयत खराब ना हो जाए। पता चला कीमती शय जिस्म नहीं है, कीमती शय रूह है। किस चक्कर में पड़े हो बाबुल्लो वालो। सैयद काजमी एक मसला समझाने आया है, रोजी के लिए मारे मारे फिरते हो, कभी रूह की रोजी भी सोच लिया कर। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तीन जुमले बोल रहा हूँ तीन। ये चेहरे बनाने वाला अल्लाह, बोलो मेरे साहब अल्लाह। भाई आज रूह है, आज बोल सकते हो, रूह निकली बोल नहीं सकोगे, जिन में रूह है गरज के बोलो। ये चेहरे बनाने वाला, ये मुखड़े बनाने वाला। अच्छा भाई मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मियां जो तेरा नाम ले इसकी मन की मुरादें पूरी फरमा, अल्लाह जो तेरा नाम ले इसके दुखड़े दूर फरमा। अब गरज के बोलो, ये चेहरे बनाने वाला, ये मुखड़े बनाने वाला, ये सूरतें बनाने वाला, और जब चाहे सारी शक्लें मिटाने वाला, किस्सा खत्म करने वाला। ये शक्लें, ये जवाब, ये शबाब, ये जवानियां खत्म करने वाला अल्लाह। और सुनो, जब रूह निकल गई, जिस्म मिट्टी में चला गया, कब्र में चला गया, किस्सा मुक नहीं गया, बाब ठप नहीं हो गया, कहानी बंद नहीं हो गई, एक दिन फिर आने वाला है। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, अल्लाह का आर्डर होगा, फिर यही जिस्म अपनी कब्र से खड़ा होगा, ये बदन कब्र से उठेगा, ये जान कब्र से उठेगी, ये मौलवी पीर मजदूर गरीब अमीर मीर बुतार सरदार कब्र से उठे। बनाने वाला भी अल्लाह है, मिटाने वाला भी अल्लाह है, फिर उठाने वाला भी अल्लाह। तीन जुमले मैं दे दिया हूं। पहला जुमला बनाने वाला, दूसरा मिटाने वाला, फिर तीसरा उठाने वाला। और सुनो, जहाँ कब्र बनी, कुछ कह रहा हूँ, जहाँ कब्र बनी ये दलील है कि इसका खमीर वहां से उठा था, क्यों मिट्टी जहां से आती है मौला ने इस मिट्टी को उसी मिट्टी में पहुंचा। ये है कुरान। अब जरा थोड़ी देर मजा लो, मौलाना अभी बैठे हैं दुआ दे रहे हैं, मेरा जी चाहता है थोड़ी देर बाबुर्रा छोड़ो, तो सबोरा की दुनिया में चलो चलो शहरे मदीना। यार मैंने कुरान की आयत समझाई है और आपको मदीने लेके जा रहा हूँ, कोई टिकट नहीं, वीजा नहीं, पैसे नहीं, सैयद काजमी लेके जा रहे हैं, आप चुप बैठे हो। जो मदीने जाना चाहते हो जरा गूंज में कहो सुभान अल्लाह। सुनो अब की तकरीर, नजरें झुकानी ने नजरें में नजरों में रखो। चलो शहरे मदीना, अरब की धरती है, शहरे मदीना है, सरकार का रोजा है, इसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, गुंबद खदरा है, रियाजुल जन्ना है। आओ ये जन्नत का टुकड़ा है, इस रियाजुल जन्ना में एक सरकार रहते हैं, सरकार के पहलू में दोनों यार रहते हैं।
रियाज उल जन्ना में एक सरकार रहते हैं। समझो, सरकार के पहलू में दोनों यार रहते हैं। एक सिद्दीक अकबर है, दूसरे जनाबे फारूक आजम है। पता चला अल्लाह ने खमीर उठाया हबीब के लिए जन्नत से, रियाजुल जन्ना से, मदीने से अल्लाह ने महबूब को बनाया, हबीब को संवारा, सैयदुल कौनैन को सिंगारा। सुनो, अल्लाह ने महबूब बना दिया, हबीब सजा दिया। जन्नत वाली जो मिट्टी बच रही थी, इस बची मिट्टी से अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बनाया, फारूक आजम बनाया। मेरी दलील कुरान है, कुरान। अल्लाह ने जहां से खमीर उठाया है वहीं पहुंचाना है। नबी अनवर सिद्दीक अकबर जनाब उमर, गुंबद खदरा रियाजुल जन्ना रोजे रसूल से आए। मिन्हा खलकनाकुम, बनाने वाले ने जहां से उठाया था। वफीहा नुईदुकुम, वहीं सुला दिया है। रोजे महशर होगा, सरकार का रोजा खुलेगा। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, आदर होगा मौला का, अम्रे रब्बी होगा। सरकार खड़े होंगे अपने रोजा से, अकेले सरकार नहीं होंगे, सरकार की मईयत में दोनों यार भी होंगे। हाजिर हजरत फरमाते हैं, शेर सुनाना है मदीने पे, वो शेर तब सुनाता हूँ एडवांस का। सुभान मौलाना, आपको पता है कि इन दिनों हमारा भी सीजन है, लॉकडाउन खत्म हुआ, जब से चले तो चल सो चल वाली बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा आज कोई 8 दिन का टूर मुकम्मल हो रहा है। रात चक शहर में बयान के बाद मैं भी सुबह इंशाअल्लाह पंजाब जा रहा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करेंगे। मदीना मस्कन है मोहम्मद अरबी का, मदीना मदफन है मोहम्मद अरबी का, मदीना वतन है मोहम्मद अरबी का, मदीना चमन है मोहम्मद अरबी का, मदीना हमारी जान है, मदीना हमारी शान है, अजमत मदीना हमारा ईमान है। इसलिए कहता हूँ छोड़ना मदीना गवारा नहीं, छोड़ना मदीना गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद। हमने माना के जन्नत बहुत है हसी, पर छोड़ कर मदीना न जाए कहीं। जन्नत में सब कुछ है मदीना नहीं, पर मदीने में जन्नत भी मौजूद। एक शेर और पढ़ता हूँ, मुझे जोर ना लगाना पड़ेगा थोड़ी सी मेहनत।
बेसहारा न समझो, बेसहारा न समझो, ए दुनिया वालों हमें हम गरीबों का आका मदीने में है। हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने। खैर अब मेरी तकरीर के आखिरी जुमले समझो, मैंने मेहनत करके तीन बातें समझाई हैं। ये चेहरे बनाने वाला जब चाहे सारे मुखड़े मिटाने वाला, जब चाहे फिर अपनी कुदरत से आर्डर से फिर उठाने वाला। अब जरा समझो, कुछ दिखा रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर अपनी बेटी आयशा सिद्दीका की झोली में था। सोमवार का दिन था, 13 दिनों से मुसलसल बुखार था। सिद्दीक अकबर आज रो पड़े, फरमाए आयशा मेरे हुजूर सोमवार को रवाना हुए थे, आज सोमवार है, बेटी दुआ कर अल्लाह मुझे आज ही अपने हाँ बुला ले, मगर मेरी बेटी जल्दी करो, 2 साल 3 महीने 11 दिन मैं खलीफा रहा हूँ, मैंने हक़ुल खिदमत मुआवजा तनख्वाह जो नौकरी की है जो पगार मैंने ली है हिसाब करके मेरा मकान बेच के पूरा पूरा पगार वाला तनख्वाह वाला पैसा वापस बैतुल माल में जमा कराओ। आयशा मैं अल्लाह के हुजूर इस हाल में जाना चाहता हूँ कि उम्मते मुहम्मदिया का कोई बकाया अबू बकर के सर पे ना हो। तनख्वाह वापस, जब कोई सदमे की बात करे तो कहा करो अल्लाहु अकबर, दुखड़े दर्द की बात सुनो तो कहा करो अल्लाहु अकबर। गौर से सुनो जरा, तनख्वाह वापस। फिर अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आयशा जब मेरी रूह निकल जाए दम निकल जाए, बेटी मेरी ख्वाहिश है मुझे उस तख्ते पे उस खटड़े पे उस पटड़े पे लिटा के गुसल दे देना जिस तख्ता पाक पे 2 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुसल दिया गया था, शायद मेरी निजात का जरिया हो जाए। फरमाया आयशा जब मेरी रूह निकल जाए, मेरा आखिरी जुमला समझो, जब मेरी रूह निकल जाए अबू बकर के लिए बाजार से कफन का कपड़ा न खरीदना, नई चादरें खरीदने के लिए बाजार न जाना। आयशा मेरी पुरानी यही चादरें जो मैंने बांधी हुई ऊपर ओढ़ी हुई, 13 दिन का मरीज पड़ा हूँ बीमार पड़ा हूँ, दवाइयाँ वगैरह लगी पड़ी हैं, चादरें मैली हो गई हैं, इन्हीं मैली पुरानी चादरों को धो के मेरा कफन बना देना, बाजार से नया कफन खरीद न करना, पुरानी चादरों में मुझे कफन देना। बेटी आयशा रो पड़ी बाबा जान, लोग में
ताना देंगे कि रसूलुल्लाह का पहला खलीफा है, कफन भी नया नसीब न हुआ, अब्बा हम इतने जोगे हैं कफन खरीद कर लेंगे। बुजुर्गों सुनो, जवानों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, मेरी बेटियां सुन रही हैं, याद रखना सरकार के पहले खलीफा अबू बकर रो पड़े। फरमाया आयशा मैं तो मर जाऊंगा, रूह निकल जाएगी, मेरे लिए नया कपड़ा न खरीदना, जो नई चादरें मेरे कफन के लिए खरीदना चाहती हो उस नए कपड़े से मदीने के यतीम बच्चों का लिबास बना देना, मदीने के यतीम को नया जोड़ा पहना देना। फरमाया मैं मर जाऊंगा, मैं मुर्दा हूंगा, यतीम बच्चा जोड़ा नया पहने, मैं कफन पुराना पहनूं, मुर्दों को क्या सरोकार के कफन नया है या पुराना है। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा अगर मेरे अमल अच्छे हैं तो पुराना कफन मेरे मेयार में कमी न लाएगा, अमल अच्छे नहीं है तो नए कफन से मेरी निजात का फैसला न होगा। फरमाए आयशा मदीने के यतीम को नया जोड़ा पहना देना, यतीम बच्चा नया सूट पहन के जब मेरे हक में दुआ कर देगा, अल्लाह यतीम की दुआ को रंग लाएगा, अबू बकर यतीम की दुआ के सदके बख्शा जाए। फरमाया आयशा उमर को कहना मेरा जनाजा पढ़ा दे, जब जनाजा हो जाए अब मेरी नजरों में नजर रखो, आयशा मेरी मैयत को ले जाके रोज़े रसूल के सामने अबू बकर की मैयत को जमीन पे रख, जमीन पे रख देना, कोई निदा देने वाला, आवाज देने वाला, ताजीम व अदब में कमाल एहतराम में धीमी आवाज में सरकार के रोजा के करीब जाके कहेगा, या रसूल अल्लाह वो अबू बकर पुरानी चादरों का कफन पहन के आया पड़ा है, जिसने अपनी बेटी आयशा आपके नाम पे वारी थी, या रसूल अल्लाह ये अबू बकर पुरानी चादरों में मैयत आया पड़ा है, जिसने हिजरत की रात मेरे मोहम्मद आपको कंधों पे उठा लिया था, या रसूल अल्लाह ये अबू बकर मैयत आया पड़ा है, जिसने जर्रे कसीर खर्च करके बिलाल को आजाद करवाया था। कमली वाला अबू बकर मैयत है मगर दरखास्त करता है कि मुझे इस लायक समझो तो मैं आपके कदमों में दफन हो जाऊं, कब्र की जगह मांगता है, दफन की जगह मांगता है, मस्कन मांगता है। सिद्दीक अकबर ने वसीयत फरमाई आयशा ये कहने के बाद, इजाजत मिले अंदर दफन करना, न मिले जन्नतुल बकी के परले कोने में मुझे दफना देना। इतने में सिद्दीक अकबर रो पड़े, फरमाया बेटी वक्त मुकर्रर आ गया है, अजल आ गया है, अजल आ गया है, अम्रे रब्बी आ गया है, मलकुल मौत तेरे सिद्दीक पे आया खड़ा है। आयशा अलविदा मेरी बेटी, फिर मुलाकात होगी हौज़े कौसर पे जन्नतुल फिरदौस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतने में सिद्दीक अकबर ने मौज में पढ़ा ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद
محمدُ الرَّسُولُ اللَّهِ جو ہی کلمہ پاک مکمل ہوا ابو بکر کی روح پرواز ہو گئی جو ہی کلمہ پاک مکمل ہوا صدیق اکبر کا دم نکل گیا ابو بکر فوت ہو گئے سنو باب اللہ والو خلیفہ اول ہے پھر بھی موت ہے وارث مصلی رسول ہے پھر بھی موت ہے جانشین رسول مقبول ہے پھر بھی موت ہے کملی والے کا یار غار ہے پھر بھی موت ہے محمد عربی کے رفیق مزار ہے پھر بھی موت ہے عائشہ کا عطا ہے پھر بھی موت پتا چلا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان دوستو آخری جملہ میں دے رہا ہوں ابو بکر جیسی ہستی دنیا میں نہ رہی فاروق اعظم جیسا جوان نہ رہا عثمان غنی جیسا قاری قرآن نہ رہا علی شیر خدا جیسا مرد بہادر نہ رہا حسن و حسین زہرا کے لال نہ رہے بی بی بتول زہرا چلی گئی صدا تم نے بھی دنیا میں نہیں رہنا صدا میں نے بھی نہیں رہنا میں آیا قرآن کی آیت لایا یہ چہرے بنانے والا بھی اللہ ہے یہ سارے مکھڑے مٹانے والا بھی اللہ ہے ایک دن پھر یہ چہرے اٹھانے والا بھی اللہ ہے یہ مٹی ہے جہاں سے آئی ہے وہیں جانی ہے تعریف اس مٹی کی نہیں ہے تعریف اس کاریگر کی ہے جس نے مٹی سے خمیر اٹھائے یہ شکلیں بنائی ہیں میری ساری تقریر کا خلاصہ مکھن یہ ہے حاضر سائیں فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہو جائے میں آیت پڑھتا ہوں میرے ساتھ ایک بات کا وعدہ کرو کہ قرآن روح کی غذا ہے ہم اپنے روح کو پالیں گے انشاءاللہ بولو بھئی روحانی محفلوں میں بیٹھو گے اور یہ غذا کہاں ملے گی ان فقیروں کے قدموں میں ملے گی ان محفلوں میں ملے گی ان مسجدوں میں ملے گی روحانی غذا کے لیے اللہ والوں کے قریب آؤ ایک دن آ رہا ہے ہر شے ختم ہو جائے گی تھا بھی نام اللہ کا ہے بھی نام اللہ کا صدا رہے گا بلند نام تلاوت میں آپ کو اسی زاویے میں سناؤں حضرت نے فرمایا صدیق اکبر کی میت روضہ رسول کے سامنے رکھی گئی ندا دینے والے نے ندا دی ابھی کہنے والے کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ روضہ رسول کا دروازہ دروازہ خود بخود کھل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اللہ سمیع علیم یہ تو اس طرح
मेरा मौलाना समझते हैं ना, काश पूरा मजमा कुरान का तर्जमा समझता होता। मैं डेढ़ घंटा सवा घंटा की तकरीर के बाद जो आज से पढ़ रहा हूँ, इन आयात में अल्लाह ने सरकार की ताजीम सिखाई, ताज़ीम मोहम्मद का दर्स है, अदब रसूल का सबक है, अदब 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 करो। सुनो, सैयद काज़मी कहता है अदब 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 सबका, पर सजदा एक रब का। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون صواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم اچھے بچے ہو سے اسلام آباد آزادی مارچ کنٹینر پہ یہ بچہ تھا نا فرمان جب میری حاضری لگی تو فرمان کو میں نے کہا بھی فرمان کا خیال کیا نا ہمارا فرمان یہی ہے کہ اچھا چلے یہ چہرے بنانے والا مکھڑے مٹانے والا پھر اٹھانے والا کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ پنجاب میں یہ بات مشہور ہے کہ سندھی سید کی قدر کرتے ہیں اور میں اس کا خود اعتراف کرتا ہوں کہ آپ سید کی قدر کرتے ہیں سید مہمان ہے سامنے قرآن ہے جن کے منہ میں زبان ہے ذرا گرج کے پڑھو لا الہ الا اللہ 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 کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام
جسم میں جامع ہے اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ اللہ کا قرآن ہے سنی ساؤنڈ پنو عاقل عبدالحادی اینڈ ریاض احمد فرمان علی 03001301 03 14 011 کیا بات ہے بہت بڑا قدم ہم اٹھا اے ربیع الاول شروع ہو گیا 20 اکتوبر کی ربیع الاول کے فوراً بعد یعنی 15 نومبر سے 10 دن یہ 15 آگے 25 دن بعد 15 نومبر سے پنجاب میں ضلع گوجرانوالہ وزیر آباد میں 40 روزہ کورس انشاءاللہ ہم کرا رہے ہیں فن خطابت کورس جس میں 40 سبق پڑھا کے ہم بچوں کو تقریر کرنا سکھائیں گے کہ تقریر کا ابتدائیہ کیا ہے درمیانہ کیا ہے اختتامیہ کیا ہے مجمع کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تقریر کٹھی کیسے کرنی ہے پورا سسٹم کے تقریر کی جو جو لوازمات ہیں 40 دنوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ فن تجوید و قراءت پورے قرآن کا جو بچہ حافظ ہے 2 سال کا مدارس میں کورس ہے جمال قرآن فید مکیہ مقدمت الجزریہ حدر مشق لہجہ اجرا یہ ساری باتیں ہم 40 دن میں لا رہے ہیں 40 سبق میں اس میں کوئی فیس نہیں ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے شاندار بنگلہ شاندار مکان شاندار کھانا ہمارے سرپرست یہاں استاجی حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ہیں اور باب اللہ کے مدرسے کے قاری صاحب ہیں یہ حضرات آپ کو پمفلٹ ملے گا اس کے لیے محترم جو بچہ حافظ قرآن ہے صرف حافظ وہ بھی چل جائے گا اس کو قراءت اور تقریر کی سیڑھی چڑھا دیں گے اور جو بچہ کچھ قرآن کا ترجمہ جانتا ہے کچھ درجات پڑا ہوا ہے ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ اگر کوئی عالم ہے مکمل اس کو اور انشاءاللہ پورا پورا فائدہ ہوگا 40 سبق ہیں تقریر کے 40 سبق ہیں قراءت کے یہ کورس ہے اور فی سبیل اللہ ہے آپ دعا کریں گے یہ شاندار پروقار ہو جائے لیکن میں تب راضی ہوں گا کہ باب اللہ سے کم از کم 5-10 بچوں کا وفد وہاں آنا چاہیے بھی پنجاب مجھے سائیں بلاتے ہیں میں ایک فون پہ آتا ہوں تو حضرت جی سرپرستی فرمائیں گے جو بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں نعت خواہ حضرات سٹیج سیکرٹری بننا چاہتے ہیں ان کی اگر زبان نہیں چلتی گفتار کا انداز نہیں ہے تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم نے ایک بڑے کمرے میں LCD لگوائی ہے اس پہ ہم نے خطیبوں کا رنگ دکھانا ہے عربی لے جا امام کعبہ کا دکھانا ہے پانی پتی لے جا دکھانا ہے مصری لے جا دکھانا ہے یعنی جدید دور میں کمپیوٹر کی مدد سے یہ سسٹم چلے گا آپ حضرات دعا بھی کرو گے اور بچے بھی بھیجو گے عزیز سید ذوالقرنین مہمان
रहमान की खिदमत भी करो मेरे साउंड पनवाकिल अब्दुल हादी एंड रियाज अहमद फरमान अली 03001301 03005314 11